सरावत तहसील के औद्योगिक क्षेत्र निमरावनी में स्थित श्री भारत फोली बे प्राथमिक लिमिटेड में बलिराम मंडलुई, राहुल केवट, धर्मेंद्र केवट आदि 5 मजदूरों को काम पर से निकाला गया। श्रमिक बलिराम मंडलुई ने बताया कि वह 2 दिन की छुट्टी पर गया था और आवेदन भी दिया था, मगर वापस काम पर गया तो मेरा नोट अलाव लगा दिया गया था और मैं कंपनी के आगे पीछे 10 दिनों से कारण जानने के लिए परेशान हो रहा हूँ तथा मुझे कोई कारण नहीं बता रहे हैं। साथ ही भारत मुश्ताक, महेश, दीपक के भी नोट अलाव लगा दिए हैं तथा भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री नरेंद्र पटेल ने बताया कि श्रमिकों द्वारा उनको आवेदन दिया गया था। उन्होंने प्रबंधक से गेट चालू करने की बात कही। अगर प्रबंधक द्वारा गेट चालू नहीं किया जाता तो बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। पटेल द्वारा कंपनी के अनियमितताओं को लेकर श्रम अधिकारी खरगोन को 20 मई 2022 में भी आवेदन पत्र दे चुके हैं, मगर आज दिनांक तक कोई जाँच तथा कार्रवाई नहीं की गई है। श्रमिक मजदूर बलिराम मंडलोई भारतीय मजदूर संघ जिला, महामंत्री नरेंद्र पटेल, एचआर मैनेजर जानकीलाल यादव। क्या कुछ मामला आया आपके संज्ञान में? आज श्रीवद्ध पॉलीबैग कंपनी जो है, हाँ, उसमें करीब 1000 श्रमिक काम करते हैं। अच्छा। वहाँ पे आज मेरे पास आवेदन आया है कि कुछ श्रमिकों को, हाँ, बिना बताए, बिना नोटिस दिए, हाँ, उनको निकाल दिया गया। अच्छा। जब उन्होंने पूछा कि भैया हमको निकाला क्यों, तो बिना बताए बिना ये करे उनको बाहर का गेट का रास्ता बोले, कंपनी के लिए तुम कचरा हो और आप बाहर निकल जाओ। बगैर नोटिस दिए हुए इनको निकाल दिया? हाँ, बगैर नोटिस दिए हुए। क्या चाहते हैं श्रमिक आपके पास आए हैं? ये भारतीय मजदूर संघ के पास आए हैं और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है और हम इसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेते हुए हम लेबर ऑफिसर को बताएंगे और उसके बाद में इनको गेट तुरंत चालू करें प्रबंधक, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। आए दिन वहाँ पे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, मात्र मजदूरी के नाम पर 160 रुपये से 170 रुपये दिए जाते हैं और यहाँ मजदूरों का शोषण। गवर्नमेंट रेट 350 रुपये है 8 घंटे का, जबकि वो 8 घंटे का 12 घंटे का करीब करीब 180 रुपये दे रहे हैं। जानकीलाल यादव। कौन सी कंपनी के, कौन से पद पे हो? एचआर मैनेजर। कौन सी कंपनी के? श्रीव्रत। ये अभी जो श्रमिक आप कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिनके गेट बंद कर दिए गए हैं 10 श्रमिकों के, क्या कुछ मामला है पूरा? हमने किसी का गेट बंद नहीं किया, ये अपने मर्जी से बाहर गए, हमको काम नहीं करना है, बस कोई रीज़न नहीं है। कोई रीज़न नहीं है, झूठे आरोप लगा रहे हैं। यस। अब ये बता रहे हैं, नरेंद्र जी पटेल द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 170 रुपये 12 घंटे के मजदूरी दे रहे हो आप, ये क्या सत्य बात है? ये गलत, ये झूठ बात है। जबकि शासन प्रशासन की ओर से 350 रुपये 8 घंटे के दिए जाते हैं, आप क्या 170 रुपये दे रहे हो? हम इससे ज़्यादा देते हैं, 550-600 रुपये।